स्थिति है कि बच्चे अगर माता पिता के पास जाएं तो माता पिता भी देखिए उसी स्ट्रेस से गुजर रहे हैं जिससे बच्चे गुजर रहे हैं। लेकिन इस बीच देखिए हमारे पास एक बड़ी खबर आ रही है, सीबीएसई के 12th के एग्जाम्स को लेकर आज शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहम बैठक करेंगे। सूत्रों के हवाले से ये खबर इस वक्त मिल रही है और परीक्षा के सभी विकल्पों पर विचार होगा। अब यहाँ पर अहम ये है कि देखिए जिस तरह से हमारे पैनल पर भी गेस्ट लगातार ये कह रहे हैं कि एग्जाम्स हो लेकिन उनका तरीका क्या हो सकता है बजाय कि ऑनलाइन बजाय कि सेंटर्स पर परीक्षाएं कंडक्ट कराने को लेकर उस पर कोई रास्ता निकल सकता है। हिमांशु मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, शिक्षा मंत्री निशंक अस्पताल में है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है और ऐसे में प्रधानमंत्री इस बैठक को लेने वाले हैं जिसमें तय होगा कि आगे वैकल्पिक व्यवस्था क्या हो सकती है। क्या एक्सपेक्ट करें, क्या इस बैठक से निकलकर आ सकता है, कब तक कोई डिसीजन हो सकता है? देखिए बिल्कुल मीनाक्षी, बहुत महत्वपूर्ण बैठक है आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है शाम को ये बैठक करने वाले हैं। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक हॉस्पिटल में है लेकिन सरकार ने पहले ही एक जीओएम बनाया था, राजनाथ सिंह उसके अध्यक्ष थे। शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी जो पूर्व में शिक्षा मंत्री रही हैं, प्रकाश जावड़ेकर हैं और तमाम अधिकारी हैं और उसके जब ये जीओएम की बैठक हुई थी ये तय किया गया था कि हमको सभी स्टेक होल्डर यानी सभी राज्य सरकारों से इस पर विमर्श करना चाहिए, उनके सुझाव लेने होंगे। 25 तारीख तक सबने अपने सुझाव भेज दिए थे। अब मंत्रालय ने इसके ऊपर जो भी पूरी तरीके से एक ड्राफ्ट तैयार किया है वो आज प्रधानमंत्री के सामने रखा जाएगा और प्रधानमंत्री सभी विकल्पों पर चर्चा करने के बाद सभी स्टेक होल्डर की जो राय आई है उसको जानने के बाद जरूर फैसला लेंगे। एक चीज़ हम सबको याद रखनी चाहिए कि 10वीं की बोर्ड की जो परीक्षा है सीबीएसई की या अन्य उसकी बोर्ड्स की, उनको कैंसिल यानी कि ये कहा था कि उसको रद्द कर देना चाहिए और सभी छात्रों को 11th में भेज देना चाहिए। इस सिचुएशन में अब देखना यह है कि 12th के बाद, क्योंकि ग्रेजुएशन में जाना होता है बच्चों को और इसमें मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो इसमें क्या यही सारे चैलेंजेस इस वक्त हैं और इन्हीं अनिश्चितताओं में बच्चे भी गिरे हुए हैं। मंजू, आगे भी आप नजर बनाए रखें, मैं आपसे जो डेवलपमेंट्स हैं उस पर अपडेट लेती रहूंगी। हमारे साथ कुछ और स्टूडेंट्स यहां पर इस वक्त जुड़ गए हैं, उनके सवाल शामिल कर लेते हैं। साहिल हमारे साथ इस वक्त है। जी साहिल, कुछ राहत देती है ये बात कि प्राइम मिनिस्टर भी आज शाम एक बैठक करने वाले हैं, स्टूडेंट्स के लिए क्या डिसीजन हो इस पर सोचने वाले हैं? जी यस मैम, बिकॉज जैसे मैम हमें क्लियर हो जाना चाहिए क्योंकि हम कोविड केसेस बहुत बढ़ रहे हैं और मैम वैक्सीन का अभी कुछ पता नहीं है, तो मैम हमारे जो एग्जाम्स है वो ऑनलाइन ही होने चाहिए। ठीक है, पलक है हमारे साथ, पलक ये सवाल पूछ रही थी हमसे। इसके अलावा और कौन से स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं? आयुष जुड़ गए हैं। जी आयुष पूछिए सवाल। मैम मेरे को एक्चुअली लगता है कि हमें जो है एग्जाम अगर हमें कराने हैं तो 9th, 10th, 11th के बेसिस पे हमें जो है ये रिजल्ट नहीं देना चाहिए क्योंकि 9th और 11th को जितने स्टूडेंट सीरियसली नहीं लेते उतने जो है 12th को बच्चे जो है ले लेते हैं क्योंकि 10th में उनका फर्स्ट बार होता है बोर्ड देने का। सेकंड मेरा ये सुझाव है कि छत्तीसगढ़ में जैसे हुआ है कि भाई आप एग्जाम घर पे बैठ के दे सकते हैं तो मुझे ये लगता है कि जिसको जितने नंबर मतलब चाहिए होते हैं, जितने एक्सपेक्टेड होते हैं नंबर्स 90-90+, उनको उस हिसाब से मिल जाने चाहिए। और थर्ड मेरा ये सुझाव है